बाद लीडर की शूटिंग चल रही है और आखिरी दिन है शूटिंग का। हम लोगों ने इसकी पूरी शूटिंग कर लिया था आजमगढ़ में। दो तीन गानों की शूटिंग मुंबई में होनी थी, तो हम लोग तीन चार दिन से यहाँ पे शूट कर रहे हैं विरार में। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मामाची वाड़ी है, जहाँ बहुत अच्छा लोकेशन है और पूरा फार्म है, बीच है। तो आज आखिरी गाना शूट हो रहा है निरहुआ द लीडर का। अपना क्या बताइए, क्या करना चाहेंगे, क्या किरदार निभा रही हैं और जो डांसिंग को उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमने फिल्म की शूटिंग आज से दो तीन महीने पहले कंप्लीट कर ली थी आजमगढ़ में। खाली दो गाने बचे हुए थे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और आज हम जो गाना शूट कर रहे हैं वो यहाँ पर बीच पर शूटिंग कर रहे हैं, पूरा सैंड के बीच में। और हमारे कोरियोग्राफर हैं कानू मुखर्जी जी, कानू मास्टर जी, और जैसे दादा हमेशा बहुत अच्छा डांस करवाते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिलवाते हैं, वही इस गाने में भी वो कर रहे हैं। और मुझे 100% एफर्ट डालना पड़ता है कि उनका किया हुआ का 1% तो कर पाऊँ, तो वही कोशिश में लगी हुई हूँ कि अच्छा कर सकूँ। जी जाना चाहूँगा, ये तो मतलब फिल्म की बात हो गई, ऐसे आपने भी मतलब राजनीति में अपना कोशिश किया, क्या कहना चाहेंगे, लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए अगर उसको नेतृत्व करना है। मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी है एक लीडर के लिए, कि उसको सबसे पहले एक आम इंसान बन के पहले रहना चाहिए, तो ही वो आम आदमी की जो दिक्कतें हैं परेशानियाँ उसको समझ पाएगा। हवे में रह के कोई इंसान चाहे लीडर बन जाए, हीरो बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो नहीं समझ पाएगा कि धरातल पे चीज़ें क्या है, लोगों को क्या तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि एक लीडर के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि उसको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, और एक आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा जगत में भी, राजनीति जगत में भी, दोनों में चुनौती होगी, आपको क्या कहना चाहेंगे, किस में चुनौती ज़्यादा आपको नज़र आई और क्या अंतर नज़र आया आपको दोनों में? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा है। नियत की बात होती है कि आप किस नियत से कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और हम इस नियत से काम करते हैं कि हम एक ऐसी फिल्म में काम करें, एक ऐसी फिल्म बनाएं कि उस फिल्म से जो है लोगों को इतना आनंद आए कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बहुत ग्रोथ मिले, खूब नाम हो और चारों तरफ भोजपुरी सिनेमा का डंका बजे, और उसके जब साथ में जब वो फिल्म सफल होगी तो उस फिल्म के सारे कलाकार को सफलता मिलेगी, साथ में मुझे भी सफलता मिलेगी। तो इस नियत से ही करते हैं किसी फिल्म में काम कि वो फिल्म बहुत अच्छी बन जाए, बहुत हिट हो जाए, खूब लोगों को पसंद आए, ताकि सबका जो है वो नाम हो, शोहरत मिले और आगे भी और अच्छा अच्छा काम करने को मिले। सेम बात राजनीति में भी है कि यही इच्छा होती है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनके लिए आप ऐसा क्या कर पाते हैं उनके लिए कि वो जो है आपको एक अच्छे नेता के रूप में देख पाएँ और वो चाहें कि आप बार बार उनके बीच में आएँ। ये भी कहना चाहूँगा, हाल फिलहाल में बहुत परिवर्तन है देश में, अभी नागरिक संशोधन बिल आया, उसके क्या